मैं ओम प्रकाश देशमुख, ग्राम भीमपाठा, पोस्ट पोनिया, तहसील बरघाट, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश का रहने वाला किसान हूँ। मैंने अपने खेत में निजीवर्स सीड्स कंपनी का एक्सपोर्ट जो धान लगाई, जो मुझे कंपनी की तरह से 8 जून को डेमो के रूप में प्राप्त हुआ, जिसकी खार की बुआई मैंने 9 तारीख को की और 29 तारीख को मैंने इस धान की रुपाई की। इसी के साथ साथ मैंने अदर धान भी लगाई, जिसमें पायनियर कंपनी का 27P37 और 468 कावेरी का यह भी लगाया। पर एक्सपोर्ट धान गिरने के प्रति सहनशील पाई गई। अदर कंपनी की धान अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर चुकी है, यह बात एक्सपोर्ट कंपनी में नहीं। मैं दूसरी बात करूं इस धान की, तो यह धान मध्यम अवधि में पक के प्राप्त होने वाली फसल है। मध्यम अवधि में पक के हमें यह प्राप्त हो जाती है, इसलिए अगर इस धान की बात करूं, प्रति बाली में दाने की संख्या 320 से 340 तक पाई गई। प्रति बाली अधिक दाने प्राप्त हुए। इस धान में मैं वजन की बात करूं तो अदर धान की अपेक्षा अधिक वजनदार दाने पाए गए। बोले एक्सपोर्ट धान में मुझे इसकी वजन अधिक प्राप्त हुआ, कम अवधि में पकने वाला, यह गिरने वाला, इन सभी को देखते हुए मेरे धान मुझे अच्छी पाई गई, इसीलिए यह धान किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। इसीलिए मैं सभी किसान भाइयों से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस धान का उपयोग करें और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।